पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इट्स अ वेरी नोबल थिंग जो 365 डॉक्टर टीम कर रहे हैं एंड धीरज कुमार जी जो हमेशा हमारे बॉलीवुड और प्रेस वालों के लिए आगे रहते हैं, तो हमारा तो फ़र्ज बनता आने के लिए। मैंने बाइट्स भेजी थी बट आई वॉज शूटिंग फॉर माई शो इन मडाइलैंड, सो वहाँ से जितनी जल्दी मेरी कोशिश थी मैं आ गई एंड थैंक गॉड ख़त्म होने से पहले मैं आ गई हूँ। सो आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम एंड कीप डूइंग दिस वर्क एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का हम सबका साथ हमेशा साथ में रहेगा एंड थैंक्स टू हिमांशु फॉर दिस। सीरियल के बारे में कुछ बताइए। नाम रुकी सीमा मैं कर रही हूँ जो स्टार भारत पे आता है मंडे टू फ्राइडे 8 o'clock एंड इट्स नंबर वन शो ऑन हॉट स्टार और अभी हमने 200 एपिसोड कम्प्लीट किए हैं एंड आई एम प्लेइंग पॉजिटिव रोल सत्यवती इन दैट एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो आई कैन जस्ट से कीप लविंग मी, keeping your prayers and I keep doing good work. Thank you so much. देखा है बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग यहाँ पे हैं जिनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन वो चीज़ उनके तक पहुँच नहीं पाती है, तो हमारी एक कोशिश है, हमारी कंपनी की तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि वो सारी चीज़ अपने उन लोगों तक पहुँचे जिनको सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए हमने ये 360 डॉक्टर 365 का जो फ्री मेडिकल कैंप है, ट्रस्ट के लेवल पे जो काम हो रहा है, सारा जो सामान वगैरह है उसको फ्री में देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी तरफ से हमारे और हमारी कंपनी की तरफ से जितना मदद हो पा रहा है उतना मदद करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे को उम्मीद है कि बहुत सारे आदमी हमसे सामान लेके सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे, और उम्मीद है कि अगली बार जब भी हम कोई इस तरह का प्रोग्राम करेंगे और फ्री कैंप अगर करेंगे हम पूरा मीडिया को इंटीमेट करेंगे तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और उसका फ़ायदा उठाएं। हमारी दिल से तमन्ना है कि जो आज जो लोग आए थे उम्मीद है कि अगली बार उससे कहीं ज़्यादा लोग आएंगे हमारे पास और उसका फ़ायदा उठा के जाएंगे, और उम्मीद है कि जो आदमी इस बार नहीं आ सके तो अगली बार ज़रूर आएंगे, और हमारी एक कोशिश रही है कि जहाँ तक हो सके पब्लिक तक पहुँच सकूँ, उम्मीद है कि हम वहाँ तक पहुँच सके हैं। बहुत सारे आदमी आए थे आज, उनका मतलब उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, और उम्मीद है कि वही लोग आगे जाके और भी आदमी को बोलेंगे और भी इसकी जो संख्या है बढ़ेगी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई काम करेंगे तो उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा लोग आएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हमारे को ऐसा लगता है 15 से 20 हज़ार लोग तो कम से कम आए होंगे, कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग आए होंगे आज के दिन में। यस यस, हम उम्मीद है कि अगली बार हम इसको और बड़ा करें और बड़े लेवल तक जाएं, जहां तक हो सके हमने पूरा कोशिश किया है, प्रिंट मीडिया में प्रेस में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था बहुत आदमी का, बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मैंने बाइट भी लिया था और उन लोगों ने भी बहुत कोशिश किया है, प्लस फिल्म फेडरेशन के चेयरमैन वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे फिल्म के आदमी लोग को इंटीमेट किया था आने के लिए, तो मैक्सिमम लोग आए हैं और बहुत लोग हो सकता है नहीं आए हैं लेकिन उम्मीद है कि अगली बार ज़रूर आएंगे। ये कैंप को देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अगली बार हमें 100% आदमी ज़्यादा डबल आएंगे और मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठाएंगे। जी बहुत नमस्कार सर, आज सबसे पहले मैं अपना मीडिया बंधु लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने आकर
इतना बड़ा कवरेज लिया इतना बड़ा प्रोग्राम का, तो सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन। रही बात जो आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर जो है, ये तो वर्ल्ड नोन केयर सेंटर जो है, इनका मेडिकल कैंप में अगर आज का दिन में आप गूगल में भी सर्च करोगे वर्ल्ड का बिगेस्ट मेडिकल कैंप, तो आरके एचआईवी रिसर्च एंड केयर सेंटर का ही नाम आ जाएगा। और मैं कुछ कुछ किस्मत है मेरा कि मैं इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा हूँ और कम से कम लोगों को कुछ तो सेवा प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। मैं मेरा जो चेयरमैन है डॉक्टर धर्मेंद्र जी और मेरा जो डायरेक्टर है मनीष वर्मा जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इस काबिल समझा मुझे, उन्होंने एक सर्व करने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। चेयरमैन डॉक्टर 365, लास्ट 3 महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको हम मेडिकली सपोर्ट दे करके जो डिप्रेशन की अवस्था में गुजर रहे थे मीडिया एंड मेडिकल के कुछ तबके के लोगों के लिए, तो उसमें डॉक्टर 365 का एक सपोर्ट दे करके उनके ज़िंदगी को कैसे खुशहाल कर सकें, ये हम लोगों ने 3 महीना प्लानिंग किए। एंड आज आपके सामने है कि हमने तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके, 200 से ज़्यादा व्हीलचेयर मंगवा करके, तमाम हज़ारों की तादाद में चश्मे मंगवा करके, और हमने 2-2 लाख रुपए का ई श्रम कार्ड दे करके लोगों को हमें खुशहाल देखना चाहता था, जो आज हमने ये सारी फैसिलिटी दे करके हमने बड़े लोगों के ऊपर मुस्कुराहट देखते हुए मैंने देखा। और मेरा कोशिश यही ख़त्म नहीं होगा, अगले साल 14 जनवरी के लिए हमने फिर से अनाउंस कर दिया कि इसे 20 टाइम ज़्यादा बड़े लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम फिर मैं आयोजित करूँगा, और कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में लोगों को बेनिफिट दे करके खुशहाल बॉलीवुड में देखना चाहता हूँ, जो कि मैं करना चाहूँगा। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ हो भारत देश हमारा। उस मुहिम में हमने सितंबर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे 1 दिन में 1,07,000 पेशेंट दे करके मोदी जी को बहुत बड़ा स्वागत दिया, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के ये आज के दिन आज इतने सारे पेशेंट दे करके, चाहे आप मीडिया के फैमिली का की बात हो या बॉलीवुड की फैमिली की बात हो, आज लोगों ने इस कार्यक्रम में बहुत शिरकत के साथ आए और उसका बेनिफिट लिया, एंड उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मैंने पहली बार देखा। मैं ये मुस्कुराहट सदा देखना चाहूँगा और देखते रहना चाहूँगा। धन्यवाद। के कलाकारों ने सपोर्ट किया, सब अपने अपने बाइट्स बना करके भेजे, और सब ने उम्मीद ये किया कि शाम को सेकंड जो हम लोग अवार्ड फंक्शन रखने जा रहे हैं उसमें काफ़ी बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं अवार्ड में शिरकत करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम जिनका बाइट्स आया है, चाहे राजकुमार राव, हेमा मालिनी के साथ साथ तमाम ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं, अनु मलिक हास्य कलाकार में, नवीन प्रभाकर के साथ साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आ रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको उनको सम्मानित करके डॉक्टर 365 की तरफ से स्वस्थ बॉलीवुड करने में एक डॉक्टर 365 का बहुत बड़ा अहम योगदान हो। डॉक्टर 365 ने अभी तक 27 सालों के जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके, 3,55,00,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके, 96,000 से ज़्यादा लोगों का सर्जरी कराते हुए हिंदुस्तान के हेल्थ का GDP रेट बढ़ाने में सपोर्ट किया है, और हमारी कोशिश है कि जब तक हमारी टीम की जज्बा रहेगी, मैं हिंदुस्तान को पूरे विश्व में एक स्वस्थ हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। इसी क्रम में आज का एक प्रयोजन था, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आने वाले समय में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ज़रूरत पड़े मैं लेते रहूँगा, और इसमें मैं थैंक्स टू मेरे सपोर्टर्स ONGC, गेल, IOCL, HPCL, BPCL, महानगर गैस के साथ साथ स्पेशल थैंक्स रोटरी इनरविल के साथ साथ वल्चर ग्रुप का स्पेशल बहुत बहुत सपोर्ट रहा, जिनके सपोर्ट से ये कार्यक्रम हम लोगों ने इस लेवल तक करने में सफलता हासिल की।
और आज काफ़ी लोगों ने मुझे आकर के आश्वासन दिया कि सर अगली बार इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जितना आपको सपोर्ट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज ही मैंने अनाउंस कर दिया अगले बॉलीवुड के कार्यक्रम के लिए कि अगली बार हम 1,00,000 को पार करके करेंगे। धन्यवाद। जो कार्यक्रम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर छोटे छोटे वर्करों के लिए हुआ देख के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके पीछे जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फ़ंड की। तो डॉक्टर 365 में मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को मूव करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचा सकें। थैंक यू। Hi, my dear friends. I welcome all the media people around of this country. Hi, this is Vaibhav Sharma, Guinness World Record holder, and today I will be the host and anchor for this today's wonderful Bollywood's largest medical camp and 19th RK National Excellence Awards. मेरे साथ हैं the melody sensation of this country, Bhumi Trivedi ji, जिनकी आवाज़ भूमि की आवाज़ है, और रामलीला के सॉन्ग में IFA Award nomination, Filmfare Award nomination. She has been a song of this, she has been a singing sensation of this country, or she is having some health issues also. She just had her wonderful show in New York Square, right? Ji, feature hua tha. Ji haan, New York Square mein abhi inka feature hua tha. Uske baad, yeah, Times Square pe inka feature hua tha. Uske baad fir abhi inhone Ahmedabad mein show kiya. Uske baad ye seedha after Ahmedabad she came down over here. Yes, Bhumi ji, how are you feeling right now? सबसे पहले नमस्ते और धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग यहाँ पर आए। एंड वैभव शर्मा जी को मैं जब पहली बार हमारी बात हुई एंड वी कुड कनेक्ट इंस्टेंटली बिकॉज सबसे पहले ही इज़ अ म्यूज़िक लवर एंड अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रेट ओरेटर। सो आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आया मुझे और काफ़ी सारी बातों के बारे में मुझे आपके बारे में पता चला। एंड सबसे पहले डॉक्टर 365 जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप जिसका नाम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, और ये जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनके लिए ये स्पेसिफिकली आई थिंक ये शिविर पहला है दूसरा पहला है पहला, पहला इससे पहले तो मोर देन 29,000 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं आके चवीर से सचिन के सेंटर के माध्यम से, लेकिन पर बॉलीवुड के लिए ये पहला मेडिकल कैंप है जो अपने आप में इतना बड़ा हिस्टोरिकल मेडिकल कैंप। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ क्योंकि आई थिंक जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी लाइफ बहुत ही इरेगुलर है एंड ऑफकोर्स ये एक ब्लेसिंग भी है और ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो सकता है कभी कभी कि आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अच्छी अच्छी जगहें देखते हैं, आप परफॉर्म करने भी जाते हैं लोगों के लिए, शूट करने भी जाते हैं। सो डिपेंड्स ऑन कि आप एक आर्टिस्ट्री में किस फील्ड में है एग्जैक्टली, एक्टिंग में है, सिंगिंग में है, कंपोजिंग में, और अगर आप ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट टू मीट अमेजिंग पीपल ऑन द गो। लेकिन जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनसर्टन और इरेगुलर होती है एंड उसके चलते अगर ये थॉट रखा जाए कि बॉलीवुड डॉक्टर 365 जो मीडिया के लोगों के लिए और बॉलीवुड के लोगों के लिए सारे आर्टिस्ट के लिए अगर ये कैंप मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ग्रेट इनिशिएटिव। आई रियली वांट टू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि इतना बड़ा स्टेप लेना, और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हर किसी को एंड डेफिनेटली आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत ही आर्टिस्ट अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं, कभी कभी खाना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, टाइम पे सोना भूल जाते हैं, और उसके चलते जो कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके चलते मुझे लगता है कि आज ये जो दिन है इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल दी आर्टिस्ट जो अपनी शायद हो सकता है कि बहुत बिजी लाइफ में से हेल्थ चेकअप के लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आज ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर जो ऑर्गेनाइज़ हुआ है, ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ है, इस इनिशिएटिव को मैं सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सभी को इतनी बड़ी रिलीफ दी है, बहुत बड़ी हेल्प है ये एक हम सभी के लिए, एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड एन एक्स्ट्रा आइसिंग इन टू इट। भूमि जी, आप हमारे दावतनामे पर आज अपने इतने बिजी शेड्यूल और व्यस्त कार्यक्रम से आई। माँ सरस्वती भारत रत्न लता मंगेशकर हमेशा ये कहा करती थी कि जो भी पार्श्व गायक होते हैं, पार्श्व गायिकाएँ होते हैं,
उनके लिए संगीत सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं होनी चाहिए, संगीत एक पूजा, एक साधना, एक तपस्या होनी चाहिए। और जब मेरी पहली बार आपसे बातचीत हुई, मैं इस बात को पूरी मीडिया के सामने कहना चाहूँगा, मेरी पहली बार जब इनसे बातचीत हुई भूमि जी से, तो मुझे इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा हुआ कि इनके लिए संगीत मौसिकी एक प्रोफेशन नहीं है, इनके लिए संगीत एक इबादत है, साधना है, तपस्या है। इसलिए इनका नाम भूमि है और इसलिए इनकी आवाज़ में वो पुरखलुस कशिश है, इनकी आवाज़ में वो पुरखलुस कशिश है। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इनके सुरों के तान में एक खूबसूरत नगमगी की वेदी है। और दोस्तों, जो नगमगी की वेदी की तपस्या में अपने कंठ से ज़मीनों आसमान को हम जबान करें, उनका ही नाम भूमि है। थैंक यू सो मच भूमि टू बी अ पार्ट ऑफ द सच अ वंडरफुल प्रोसीडिंग्स। और रामलीला के आपके सामने राम कहे लीला कहे राम, मैं चाहूँगा अगर दो लाइन अगर आप गुनगुनाते हो तो दैट विल बी रियली ग्रेट। श्योर, डेफिनेटली।